नमस्कार, रुद्रा न्यूज का स्पेशल न्यूज बुलेटिन बॉलीवुड टॉप 10 देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है बॉलीवुड की दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणवी डांसर और एक्टर सपना चौधरी का नया गाना लोरी रिलीज हो गया है। सपना चौधरी ने इस गाने को अपने ही चैनल ड्रीम्स एंटरटेनमेंट हरियाणवी पर रिलीज किया है। सपना चौधरी का ये गाना बच्चे के प्रति माँ के प्यार और परवरिश पर आधारित है। पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ लाइव जुड़ी सपना चौधरी ने इस गाने की रिलीज के बारे में बताया था। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान दूसरी बार मां बनने वाली हैं। सैफ अली खान की बात करें तो वे चौथी बार पिता बनेंगे। पहली पत्नी अमृता सिंह से भी उनके बच्चे इब्राहिम और सारा अली खान हैं। सैफ की पहली पत्नी के बच्चों और करीना कपूर के बीच रिश्ते कैसे हैं, इसे लेकर अक्सर ही लोगों की जिज्ञासा रहती है। एक इंटरव्यू में सारा अली खान ने बताया कि वे करीना कपूर को माँ या फिर छोटी माँ नहीं कहती हैं। करण जौहर के शो में सारा अली खान ने इस बारे में बताते हुए कहा था, यदि मैंने कभी करीना को छोटी माँ कहा है तो वो नर्वस हो जाएंगी। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे की जोड़ी का नया गाना भीतर के तीतर रिलीज हो गया है। इस गाने को सिर्फ एक ही दिन में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ने खुद गाने को रिलीज के बारे में इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी दी है। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के लिए साल 2020 बदलाव का वर्ष रहा है। सिंगर का कहना है कि 2020 उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहा है और इस दौरान उन्होंने अपना वजन 15 किलो कम कर लिया है। बॉलीवुड में नए साल की पहली शादी एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल करने जा रहे हैं। इस मौके पर तमाम सेलिब्रिटीज के जुड़ने की उम्मीद है। वरुण धवन ने भले ही आमंत्रित लोगों की सूची छोटी रखी है, लेकिन इसके बाद भी बॉलीवुड के कई दिग्गज पहुंच सकते हैं। पेरेंट्स बनने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आए और पोज दिया। बेटी के जन्म के बाद उनकी पहली झलक का सभी को बेसब्री से इंतजार था। कल ये दोनों सितारे उस वक्त पेपराजी के कैमरे में क्लिक हुए जब चेकअप के बाद दोनों घर के लिए रवाना हो रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने टॉक शो व्हाट वुमेन वांट में खुलासा किया कि जब भी उनकी और सैफ की लड़ाई होती है तो सैफ पहले सॉरी कहते हैं। ये खुलासा उन्होंने सैफ अली खान के जीजा और एक्टर कुणाल खेमू के सामने किया। दिग्गज लेखक और अभिनेता जावेद अख्तर से जुड़े मानहानि मामले में आज जुहू पुलिस स्टेशन में एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाजिर होना है। कंगना को आज जुहू पुलिस स्टेशन में पेश होना है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार और लेखक जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का दावा किया था। इस केस को लेकर कंगना रनौत को जुहू पुलिस ने समन भेजा था। दिसंबर 2020 में जावेद अख्तर ने अंधेरी कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। विकास गुप्ता ने स्वास्थ्य ठीक होने के बाद फिर से बिग बॉस 14 में एंट्री ली है। मास्टरमाइंड के नाम से पॉपुलर विकास बतौर चैलेंजर घर में आए और कुछ नए ट्विस्ट लाए। बॉलीवुड हस्तियों ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ही उपराष्ट्रपति बनी भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस को बधाई दी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।